नमस्कार, आप देख रहे हैं 10 का दम। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ जो अमरोहा से है। एसपी विधायक महमूद अली के दो बेटों समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लूट, अपहरण, जान से मारने की धमकी समेत 12 गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक 3 दिसंबर को विधायक के बेटों ने पीड़ित का अपहरण किया था। पीड़ित की शिकायत पर अमरोहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। बता दें कि शहनवाज ने 3 स्थानों पर मतदाता होने की शिकायत की थी, उसके बाद उसके अपहरण की बात सामने आई थी और इस पूरे मामले में अब केस दर्ज हुआ है। एक्शन की तैयारी में है पुलिस। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली और उनके दो बेटों समेत चार लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। लूट, अपहरण, जान से मारने की धमकी समेत 12 गंभीर धाराओं में ये केस दर्ज हुआ है। आरोप के मुताबिक 3 दिसंबर को विधायक के बेटों ने पीड़ित का अपहरण किया था और पीड़ित की शिकायत पर अमरोहा कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ। ये आपको ये भी बता दें कि शहनवाज ने 3 स्थानों पर मतदाता होने की शिकायत की थी और उसके बाद ही उसके अपहरण की बात सामने आई। अमरोहा से हमारे सहयोगी शिव ओम इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव ओम, क्या जानकारी आपके पास? करता था शाहनवाज, उसे मंत्री, पूर्व मंत्री है, वकील एक नेता है महबूब अली और सदर विधायक महबूब अली, उनकी शिकायत का इतना भारी पड़ा कि उसे उसके घर से ही उसके उसके विधायक के बेटे ने और उसे दूसरे बेटे शाहनवाज ने उन्हें उठा लिया। वो दो अन्य लोग हैं और जो उनके साथ अपहरण किया है, उसने अपने कोठी बंदा बनाकर और स्कूटर की जो उसके दस्तावेज है उनको साइन करा लिए, जिसके बाद उन्हें शिकायत दर्ज किया है जिलाधिकारी से। उसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है बीती शाम, जिसको लेकर चार्ज लगाया जा रहा है, जिसमें अपहरण, लूट, हत्या, अपहरण ऐसी गंभीर धाराएं हैं जिसमें 12 धाराएं हैं जो संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस हर पहलू पर जांच करने में जुटी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।